सबसे पहले अब्दुल खबीर भाई के लिए तालियां बजाएं और अमान भाई और शाम भाई, उन्होंने मुझे 15 दिन पहले इनवाइट किया था, I'm very sorry, मैं तैयार ही नहीं कर पाया आज। अच्छा ये जो है ना जो रिजवान भाई बोल रहे हैं इनके मैं बताता हूँ एक दिन ये सैटरडे वो सुबह ही सुबह घर पे आ गए मेरे हाफ पैंट और बनियान पहन मैंने कहा रिजवान भाई ये क्या क्या सैटरडे है हाफ डे हाफ पैंट मैंने कहा भैया कल को अपने घर ही रहना कल संडे महाराज आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो गया है बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी अच्छी आप लोगों ने अशार सुनाए हैं एक मैं सच्चा वादा पहले सुना दूं रमजान खत्म हुआ था वहां मस्जिद उधर आगे थी तो आफ्ताब भाई हैं क्या यहाँ आफ्ताब भाई के एक दोस्त थे वो पकड़ पकड़ के चांद दिखा रहे थे सबको ना 30 रोजों के बाद कि वो देखो वो रहा वो देखो वो रहा मैं बहुत देर तक देखता रहा चांद तो जब मुझे 10 मिनट हो गए मैं खड़ा रहा वेट कर रहा था मैं फिर मैंने कहा मैंने कहा भाई साहब आपने दिखा लिया चांद तो बड़ा बड़ा और लगा कहने के हाँ दिखा लिया क्यों आप भी दिखे मैंने कहा मैं तो देख चुका बहुत देर हो गई मैं तो यहाँ खड़ा हुआ इंतजार कर रहा हूँ कि क्यों आपको प्रॉब्लम क्या है मैंने कहा मुझे मेरी चप्पलें चाहिए चलिए हरियाणा की मैं सुनाता हूँ आप ना थोड़ा तब्दीली आ जाएगी तो एक लड़का और एक लड़की दोनों प्यार कर रहे थे हरियाणा का था लड़का तो उसने लड़की से कहा कि मेरे से शादी करोगी तो लड़की ने कहा ये तो पुराना तरीका है किसी नए ढंग से प्रपोज करो उसने कहा अच्छा मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी वही हरियाणा के लोग इसी तरह के होते हैं वो जवाब जो है ना उल्टे ही देते हैं अच्छा ये नहीं कि वो जवाब उल्टे देते हैं लोग सवाल भी उल्टे पूछते हैं उनसे वो एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था उससे पूछे ताऊ तू बीड़ी पी रहा है अब कायदे से सोचो तो ये सवाल गलत है भाई जब तुझे दिख रहा है कि वो बीड़ी पी रहा है तो उससे क्यों पूछ रहा है तू कहा ताऊ बीड़ी पी है ना अगरबत्ती सुलगाई है धोख लगाऊंगा इसकी वो एक ताऊ कुत्ते ने घुमा रहा था बेचारा कहे ताऊ कुत्ते ने घुमा रहे हैं अजीब सवाल है भाई दिख रहा है तुझे कुत्ते ने घुमा रहे तो कहे ताऊ कुत्ते ने घुमा रहे ना ऊंट है तो छोटा रह गया इसका अच्छा ऐसे ही होते हैं एक रायचंद ये कौम है हाँ ये सब जगह मिलते हैं इंडिया में भी हैं पाकिस्तान में भी हैं ये बड़ों में भी होते हैं छोटों में भी होते हैं महिलाओं में भी होते हैं पुरुषों में भी होते हैं इनका काम ये है कि ये राय देते हैं आप लें या ना लें ये राय जरूर देते हैं और कभी कभी ये लोग जो हैं ये अपने स्कूटर में अपना पेट्रोल खर्च करके आके भी राय देते हैं तो आप मांगे ना मांगे ये देते जरूर है राय इशारा किधर है इशारा आपकी तरफ है एक बार वो मेरे एक दोस्त थे उनकी दादी थी 100 साल की उसको वो मर गई बेचारी तो उसको उठाने वाले थे तो कंधे पे एक ने हाथ रख दिया कि इसको भाई साहब इसको कहाँ लेके जाओगे भाई मर गई है तो इसको कब्रिस्तान शमशान लेके जाएंगे यार आप तो नाराज हो रहे हो नए वाले पे लेके जाओगे कि पुराने वाले पे लेके जाओगे नए वाले पे लेके जाएंगे या पुराने वाले पे लेके जाते तो वहां का मजा ही कुछ अब वो राय दे रहा है तो ये होता है इस तरह से ना वो हरियाणा का एक डॉक्टर था वहां पे वो इलाज भी इसी तरह करते हैं वो एक कहा बेचारा दिखाने उसको कहा लेट जा तू उसने देखा उसकी टांगे चेक की अरे ये तो नीली हो रही है जहर चढ़ रहा है काटनी पड़ेगी उसकी टांग काट दी प्लास्टर पट्टी चढ़वाई वो थोड़े देर बाद फिर लेके गए उसको तो फिर नीली तो बाहर ये तो फिर नीली हो रही है वो सिर्फ तो जींस का रंग उतर रहा है
मैं रायचंद वाले की बात सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मिठाई की दुकान खोली बिल्कुल नई, और उसने बोर्ड ऊपर जो है उस पर लिखवा दिया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब देखिए रायचंद जो है आगे कहते उसके बोर्ड का लफड़ा करता है, देखिएगा उसने लिखा हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। जैसे ही दुकान उसने खोली पहले ही दिन एक रायचंद पहुंच गया वहां, कह लगे ये हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं ये और लग रहा है भाई, मिठाइयां तो यहाँ दिख रही हैं ऑलरेडी, ये हमारे यहाँ ये मजा नहीं आ रहा कि फिर क्या करूं कि मिटा इसको। उसने उसको हटवा दिया बेचारे ने, उसके बोर्ड पे रह गया ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गया, कह लगे ये ताजी मिठाइयां मिलती हैं, ये ताजी जितनी राय का मतलब तू बासी भी बेचता होगा। तो नहीं मैं तो सिर्फ ताजी बेचता हूँ, कि तो फिर ये ताजी जो है ना ये यहाँ से हटा, तो इससे डाउट पैदा होता है, तो फिर के क्या करूं इसको हटाए यहाँ से। अब उसने उसको भी जा रहे उसको भी हटवा दिया, अब आगे क्या रह गया मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, कह लगे भाई जब कोई आएगा पहले शोकेस में देखेगा या ऊपर पढ़ेगा, शोकेस में देखेगा तो फिर ये ऊपर क्यों लिखवा रखा है, इससे बिना बात अटेंशन डाइवर्ट होती है, क्योंकि क्या बोलो इसको, उसने उसको भी पुतवा लिया। अब आगे क्या रह गया मिलती है। अब अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, कह लगे भाई क्या ये प्रोपर्ट फ्री में मिलती है, कि नहीं मैं तो पैसे लेके देता हूँ, तो फिर ये मिलती है क्यों लिखवा रखा है, फिर क्या करूँ कि मिटा इसको। उसने उसको मिटा दिया, फिर क्या करूँ बोर्ड पे रह गया है। अगले दिन फिर एक रायचंद पहुंच गए, कह लगे भाई दुकान खुली है इसमें मिठाइयां है तराजू है पट्टा है तू है इसका मतलब है कि है, तो ये लिखवा क्यों रखा है मिटा इसको। उसने उसको भी मिटा दिया, उसका पूरा बिचारे का बोर्ड साफ हो गया। ये होते हैं रायचंद। अच्छा अभी भाई गनीमत ये थी कि अगर ये यहीं पर रुक जाते अगले दिन फिर एक रायचंद आ गया, कहते कि इतना बढ़िया बोर्ड खाली पड़ा हुआ है इसमें लिखवा था क्योंकि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती है। अच्छा चलिए आप एक छोटी सी ये सुन लीजिए कि सरदार जी इलेक्शन में खड़े होंगे वोट कैसे मांगते हैं। आप लोगों ने जिन लोगों ने सुन रखी है उनसे माजरत, लेकिन चलिए सरदार जी की स्पीच सुने। सरदार जी इलेक्शन में खड़े होते हैं कहते हैं बहनों भाइयों मैं तो स्पीकर नहीं हूँ। स्पीकर दो तरह के होते हैं, जैसे पीतल का स्पीकर लॉ स्पीकर, हमारे देश में दो लॉ महापुरुष हुए एक वल्लभ भाई पटेल और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी जो है थे वो शेरवानी पहनते थे, उनकी शेरवानी में गुलाब का फूल होता था। गुलाब के फूल दो तरह के होते हैं, एक वो जो उनकी शेरवानी में था एक वो जिसको गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट के लिए बहुत मुफीद है, पेट बीमारी की जड़ है। जड़ खरबूजे की लंबी होती है और खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। रंग जर्मनियों का होता है, उसमें जर्मनी में हिटलर हुआ था उसने बहुत सारी वॉर लड़ी, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति वॉर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर सबसे ज्यादा खतरनाक थी, खतरनाक तो शेर भी होता है, 40 शेर का एक मन होता है, मन बड़ा चंचल। चंचल शशिकला की बहन का नाम है, वो बहुत खूबसूरत है, हमारे घर के पीछे रहती है। शशिकला दिल की मरीज है, दिल एक मंदिर है, मंदिर अमृतसर में भी है, जो सरदार होता है आप ही सरदार मैं भी सरदार वोट मुझे एक दें। बहुत शुक्रिया। रिजवान आने वाले साइड है।